And you get just a beautiful and not sweet and sweet. Sweet. So ये गाना जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है. अगर एक सच्ची बात बताऊं कि आज तक अगर मेरी कोई एग्जिस्टेंस है, कोई पहचान है या कोई भी कंट्रीब्यूशन या अचीवमेंट है, तो वो बचपन से लेके अब तक जो गाने सुने हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल है. आप मानते होंगे ये बात कि आज की जनरेशन के ऊपर भी इन चीज़ों का बड़ा इम्पैक्ट है. सीन चेंज हो गया है कि हम उन्हें क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो उसी से सीख रहे हैं. हमें हमारे ज़माने में क्या प्रोवाइड करवाया गया था, कैसा म्यूजिक, कैसे लिरिक्स, कैसे रोल मॉडल्स, कैसे लीडर्स, कैसे टीचर्स, तो हमने उन्हीं से सीखा, उन्हें फॉलो किया. और आज अगर हम ये बड़े नाज से अपने बच्चों को कहते हैं हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, हमारे ज़माना तो इतना अच्छा था, हम तो ऐसे थे, तुम कैसे हो, मेरे ख्याल से ये सवाल उन्हें पूछने की बजाय शीशे के सामने खड़े होकर उन्हें खुद से पूछना चाहिए. आई थिंक एंड आई होप यू ऑल एग्री विद मी. मैटर अब ये नहीं करता है कि हम किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं. जब हम टीचर्स हैं, जैसे सर ने बोला, चाहे आप 20 इयर्स के हो या 50 इयर्स के हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि अगर मेरे हाथ में कुछ जिंदगियाँ हैं, कुछ यंग जनरेशन है, तो हमें उन्हें किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है. अभी तक बात हो रही थी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, कि एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक टीचर का रोल क्या है. लेकिन जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आप सबको अच्छी तरह से पता है कि अकेले एफर्ट करने की बजाय अगर वो एफर्ट ज्वाइंट होता है तो उसके रिजल्ट्स डिफरेंट होते हैं. सेकेंडली, मेरे इंडिविजुअल एफर्ट्स वेरी कर सकते हैं, इफेक्टिव हो सकते हैं दूसरों की वजह से. हर एक का इंडिविजुअल एफर्ट जो है वो अफेक्टेड है जस्ट बिकॉज ऑफ अनदर पर्सन वर्किंग अराउंड. इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन टीम वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो सबसे पहले आपकी प्रिंसिपल साहिबा के लिए मैं बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन चाहूँगी, जिन्होंने आप सब लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी आज क्रिएट की कि आप लोग एक टीम वर्क की इम्पोर्टेंस समझ सको और इसको आप दूसरे परस्पेक्टिव से देखिए प्लीज़. ये ऐसा नहीं है कि आप चीज आप लोगों को पता नहीं है इसलिए आपको कुछ सिखाने के लिए यहाँ उन्होंने बिठाया. नो, ये इसीलिए है कि आप एक बहुत ही अच्छी, ब्यूटीफुल और एक बहुत ही स्ट्रांग टीम हो, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई. क्योंकि तराशा बढ़ी जाता है जैसे हीरा बनी, बोलने की अगर होगी. सो प्लीज़ आप अपने दिमाग से ये बात 100% निकाल दीजिए कि आप यहाँ कुछ सीखने के लिए बैठे हो. आपको कोई आज सैटरडे ऑफ डे पे बुला के पनिशमेंट दी गई है, आपकी एक छुट्टी खराब की गई है, नो. आपको एक अपॉर्चुनिटी गिफ्ट की गई है बिकॉज आप ये डिजर्व.